मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन, ये लाइन मैं कई बार बोलता हूँ, लेमैन टू लॉमैन। ऐसा क्यों बोलता हूँ सर, पहले तो मैं यही बता दूँ, क्योंकि मित्रों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि रोज करते हैं, करते चले आ रहे हैं और उनको बड़े आराम से संपन्न हो जाते हैं, घटनाएँ हैं, धार्मिक कार्य हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या क्या चीज़ इसमें एसेंशियल है, उसमें क्या होना चाहिए। बस हो रहा है, हो जाता है और आगे बढ़ जाता है, कभी कोई समस्या नहीं आती, यह होता है। लेकिन जब वो समस्या आती है तो बहुत सीरियस समस्या आती है और फिर दिमाग में ये वाली बात आती है, भाई ये हमसे चूक कैसे हो गई, ये तो हमको पता ही नहीं था, ये तो हमारे बारे में हमको पता होना चाहिए था। वो ऐसा क्यों होता है, आज का मैं जो वीडियो है वो कुछ इसी सब्जेक्ट पर लेके आया हूँ। वो सब्जेक्ट क्या है कि विवाह के समय में, विवाह में, शादी में अनिवार्य ऐसी क्या चीज़ है, लीगल एसेंशियल क्या है, लीगल अनिवार्यता क्या है। हाई कोर्ट का एक आदेश आया है, हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया है और वो ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जागरूकता फैलाने के लिए। शादियाँ तो रोज़ होती हैं, अटेंड करते हैं लोग और पूरा घर में भाई बहनों की, बच्चों की शादियां होती हैं, लेकिन उनकी तरफ, उसमें जो लीगल एसेंशियल पार्ट है उसकी तरफ ध्यान कम जाता है। और वो क्या होना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मित्रों सबसे पहली बात ये कि जैसे शादी है, बैंड बाजा और बारात आ गई, पार्टी, लोग आ गए, पार्टी शुरू हो गई, पार्टी ख़त्म हो गई, सुबह फेरे हो गए, विदा हो गई, शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है, सब ऐसे ही होता है, लोग देखते हैं और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब कभी समस्या आ जाती है, और समस्या आजकल आपने नोट किया होगा बहुत ज़्यादा आ रही है, समस्या आने का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगले ही महीने समस्या शुरू हो जाती है। जब समस्याएँ सामने आती हैं तब ये देखा जाता है कि उसमें जो लीगल अनिवार्य, लीगल जो उसकी एसेंशियल चीज़ है, उस वो कहाँ पे हुई, कितने हुई, क्या हुआ, ये सब चीज़ें सामने आने लगती हैं और तब उस सब बात की इम्पोर्टेंस हमको लगती है। तो हमको इन सब बातों की जागरूकता होनी चाहिए, इन सब तारों की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए मित्रों, हम ये जानेंगे कि ये जो शादी, हमने बताया कि इसमें शादी में बैंड बाजा बारात हो गई, फेरे हो गए, फेरे की क्या इम्पोर्टेंस है, फेरे की इम्पोर्टेंस तो हम पूछते हैं, आप भी समझ लीजिए क्या है साहब। रात को फेरे हो जाते हैं, सात फेरे होते हैं, अग्नि के फेरे लगाए जाते हैं, वचन दिए जाते हैं, प्रतिज्ञा कह दीजिए और उसके बाद सुबह को विदा हो जाती है। ये जो फेरे और प्रतिज्ञा, या इसको सप्तपदी कहते हैं, ये सप्तपदी जो हुई इसकी क्या लीगलिटी है, इसको बताया ऑनरेबल हाईकोर्ट ने और हिंदू मैरिज एक्ट में भी इसको डिफाइन किया गया। अगर हमने इसकी जानकारी ले ली तो आप समझेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, जो ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है इसको हम आगे साथ में लेंगे और इसकी क्या कहानी है, क्या फैक्ट्स हैं और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या कहा इसको भी हम समझेंगे, सारी बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। कहते हैं कि साहब बिना फेरे सप्तपदी के कानूनी रूप से वो शादी मानी ही नहीं जाती। जब तक फेरे ना हो, तरह तरह की कहावतें हैं, अपना अपना नज़रिया है, हमने ये तो समझ लिया कि साहब फेरे होते हैं और लोकल लैंग्वेज में, लोकल अपने बातों में ये बताया जाता है कि जब जब तक फेरे नहीं होंगे साथ तब तक शादी नहीं होगी, लेकिन कभी ये गौर नहीं किया कि ये जो बात है ये लीगल है, कानूनी रूप से है। अब वो कानूनी क्या है इसके लिए हम चलते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर की तरफ। ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में पहले तो हम समझ लेते हैं मामला कौन सा है। मामला है कीर्ति सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 नंबर 23148 ऑफ 2022। इसमें ऑर्डर आया, डेट ऑफ ऑर्डर है 19 सितंबर 2023, मतलब 5-6 महीने पहले की बात है। अब हम इस ऑर्डर को जब समझेंगे, कोर्ट का क्या ऑर्डर है उसको समझने के लिए हमको इसके फैक्ट्स, इसकी कहानी, इसका कि मामला क्या है ये समझना पड़ेगा। तो मित्रों मामला कुछ ये है कि शादी हुई 5 जून 2017 को और तुरंत ही झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़े के तहत 22 जून को लड़की जो बहू थी वो अपने घर वापस चली गई, और 30 जून को
2017 की बात है, 30 जून 2017 को उसने एक FIR करवाई अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ, किसमें दहेज के संबंध में, क्रूरता के संबंध में और भी जो सेक्शंस थे उनके संबंध में वो एक FIR हो गई और उस FIR की जांच जो थी CO लेवल के ऑफिसर को दे दी गई अपने पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। अब पुलिस डिपार्टमेंट में जांच करी और जांच करके वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि साहब ये इसके आरोप सही हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई, हस्बैंड के खिलाफ एंड फैमिली मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो ये पार्ट हो गया। इन बिटवीन लड़की ने CRPC के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस की एक एप्लीकेशन दी फैमिली कोर्ट के तहत के सामने और फैमिली कोर्ट ने उसको डिसाइड किया, 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस भी तय कर दी और हस्बैंड को डायरेक्शन दी कि 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको पेमेंट करेगा। सेकेंड स्टेज हो गया। अब क्या हुआ कि हस्बैंड ने हायर पुलिस ऑफिसर के सामने एक एप्लीकेशन दी और वो ये कहा उन्होंने कि साहब जो ये लड़की थी जो वापस चली गई, इसने तो सेकंड मैरिज कर ली है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जो जांच हुई तो जांच में पता चला कि नहीं, ये भी जांच CO लेवल पे हुई और वहाँ से ये रिजल्ट आया कि ये ऐसा कुछ नहीं है और उस लड़की ने कोई जांच, कोई सेकंड मैरिज नहीं की है। ये भी बात हो गई। अब क्या हुआ कि ये रिपोर्ट कब आई पुलिस की, ये रिपोर्ट आई 6 जनवरी 2021 को कि नहीं, उसने कोई सेकंड मैरिज नहीं की है। लेकिन 6 महीने बाद ही 20 सितंबर 2021 को उसके हस्बैंड ने अपनी पत्नी के खिलाफ बाइगेमी, मतलब सेकंड मैरिज करने का बिना डाइवोर्स हुए पहले वाली शादी से, हस्बैंड ने कहा कि उसकी वो पत्नी है और उसने बिना डाइवोर्स हुए दूसरी शादी कर ली है, इसके लिए उसने एक केस फाइल किया लोकल कोर्ट में। और लोकल कोर्ट में जो केस फाइल हुआ उसमें उसने ये कहा कि साहब उसने 2017 सितंबर 2017 में ही एक सेकंड मैरिज कर ली, उसके दो विटनेस भी दिए, कुछ फोटोग्राफ्स भी दिए और उसने कहा कि जब ये साहब शादी सेकंड कर ली है तो बाकी बातें ख़त्म हो जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट ने 21 अप्रैल 2022 को उसकी वाइफ को समन इशू कर दिया कि वो हाजिर हो और इस सब का जवाब दें। तो अब देखिए दो बातें हो गई। पहले तो उन्होंने पुलिस पे कहा, पुलिस ने जांच करके कहा कि नहीं सेकंड मैरिज नहीं हुई है, उन्होंने छोड़ दिया और कोर्ट में चले गए, ट्रायल कोर्ट में चले गए। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ये बात आई, मजिस्ट्रेट ने समन इशू कर दिया, वाइफ को बुला लिया। अब वाइफ ने कहा कि भाई सब सेकंड मैरिज हुई नहीं है, इस तरह से तो ये समन ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अंडर सेक्शन 482 CRPC हाई कोर्ट में डायरेक्ट इस समन को क्वेश करने के लिए फाइल की एप्लीकेशन। तो ये मामला आ गया सीधे हाई कोर्ट में वाइफ के द्वारा और उसके द्वारा ये कहा गया कि ये जो समन इशू किया है मजिस्ट्रेट ने ये गलत है, इसको यहीं से क्वेश करना चाहिए और ये समन इशू नहीं होना चाहिए। तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये वाली बात आई कि इसमें ये जो समन इशू किया गया है इसकी लीगलिटी क्या है, और दूसरी बात ये कि सेकंड मैरिज वाला भी इशू आएगा, और तीसरी बात इसमें ये कि ये शादी हुई भी है या नहीं हुई है। तो अब इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 7 को देखना पड़ेगा, सेक्शन 7 क्या कहता है एक मैरिज के संबंध में। तो देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ, पहला ये कोट किया है अपने जजमेंट में, नंबर वन, ए हिंदू मैरिज मे बी सोलेमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर ऑफ। सेकेंड, वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तपदी दैट इज टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाई द ब्राइड ग्रूम्स एंड ब्राइड ज्वाइंटली बिफोर द सेक्रेट फायर, द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग वेन द 7th स्टेप इज टेकन। क्या मतलब हुआ इसका कि हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक समारोह के हिसाब से संपन्न कराया जा सकता है, लेकिन 7 फेरे होना अनिवार्य हैं। अगर वो सप्तपदी जिसको कहते हैं 7 फेरे होना अनिवार्य है, अगर 7 फेरे का प्रूफ नहीं है तो वो शादी नहीं है। वो चाहे उसमें बैंड बाजा फोटो विदा फिर ये सब चीज़ दिखाई पड़ रही हो, लेकिन अगर उसका लीगल प्रूफ नहीं है फेरे का सप्तपदी का, तो वो शादी की कोई मान्यता नहीं है, वो शादी नहीं मानी जाएगी।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जिसको कि जब फर्स्ट आया, मैंने कहा कि जब फर्स्ट आया तो सब बात सामने आती है, तो क्या निकल के आई ये वाली बात कि सब कुछ तो दिखाई पड़ रहा है, ड्रेसेस भी दिखाई पड़ रही हैं, लोग भी हैं, पार्टी भी चल रही है, जयमाला भी हो रही है, बैंड भी है, सुबह विदा भी हो रही है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। और वो प्रूफ कैसा होना चाहिए इसके लिए भी बारे में आगे बताते हैं। देखिए, ऑर्डर में कहा गया कि इट इज़ वेल सेटल्ड दैट द वर्ल्ड सोलेमनाइज मीन्स इन कनेक्शन विद द मैरिज टू सेलिब्रेट द मैरिज विद प्रॉपर सेरेमनीज एंड इन ड्यू फॉर्म अनलेस द मैरिज इज सेलिब्रेटेड और परफॉर्म्ड विद प्रॉपर सेरेमनीज एंड ड्यू फॉर्म इट कैन नॉट बी सेड टू बी सोलेमनाइज इफ मैरिज इज नॉट ए वैलिड मैरिज अकॉर्डिंग टू लॉ एप्लीकेबल टू द पार्टीज इट इज नॉट ए मैरिज इन द आईज ऑफ लॉ। अगर वो किसी भी तरीके से संपन्न करवाएं, हो सकता है कि बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से फेरे उसके नहीं है, उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो वो कानून की निगाह में शादी रूप से मान्यता नहीं मिलेगी उसको। अब ये वाली बात हो गई बहुत साफ। तो कहने का मित्रों ये है कि शादी होती है, अटेंड करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि इन जो फेरे होते हैं उसकी लीगलिटी कितनी है। सबसे अहम शादी में अगर कोई पार्ट है लीगल आज, धार्मिक रूप से तो सभी चीज़ें हैं, सारी पूजाएं होती हैं, लेकिन लीगल रूप से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है शादी का वो फेरे हैं, सप्तपदी जिसको कहा जाता है, उसका प्रूफ होना चाहिए। अदरवाइज सारी जितनी भी वीडियो है, जितनी भी फोटो हैं, उनकी कोई बात एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब बात आ गई फोटो की, तो फोटो के बारे में भी इस ऑर्डर में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सो फार एज फोटोज इज कंसर्न दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट फोटोग्राफ इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव द फैक्टम ऑफ मैरिज। केवल फोटोग्राफ्स के आधार पर हम कोई भी वो एविडेंस नहीं मानता मानी जाएगी कि अगर सब ये फोटो दे दिए तो ये सब शादी हो गई। क्यों? क्योंकि सबसे अहम बात है सप्तपदी फेरे, सप्तपदी फेरे। एटलीस्ट कोर्ट ने क्या डिसाइड किया लास्ट में, फाइनली ऑन द एफोरसेड डिस्कशन दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द अपीलेंट्स इनिशिएटेड बाई अपोजिट पार्टी नंबर टू इज नथिंग बट ए मेलिशियस प्रोसिक्यूशन विद एन अल्टीरियर मोटिव विच इज क्लियर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कि केवल साहब फोटो दिखा दिए, फोटो आ गए, तो ये जो है क्योंकि ये प्रूफ नहीं किया। अब हुआ क्या कि जो उन्होंने अपना जो केस डाला था 494 का, जो कि बाइगेमी का केस डाला था कि दूसरी शादी कर ली है, उसमें भी ये वाली बात तो कहीं डिस्प्यूट नहीं की गई थी कि साहब वो फेरे हुए नहीं हुए, तो फेरे हुए ये बताया नहीं। और जबकि मेन चीज़ ये होती है कि शादी तभी मानी जाएगी लीगल रूप से जबकि ये प्रूफ हो जाएगी फेरे हुए, सप्तपदी हुआ, वो तो उन्होंने बताया नहीं। सेकंड, उन्होंने अपने बयान दिए कोर्ट में, उसमें भी ये वाली बात नहीं। तो कोर्ट ने फिर ये कहा कि बाकी ये फ़ोटो और ये सब चीज़ें तो बेशक हैं, लेकिन सेकंड मैरिज उसने लड़की ने करी है इसका कोई प्रूफ नहीं है, और पुलिस की जाँच भी आ चुकी है, उसने भी बताया कि उसने सेकेंड मैरिज नहीं करी, लिहाजा उन्होंने इसको एक्सेप्ट करते हुए उनकी एप्लीकेशन को, जो नीचे से संबंध इशू हुए थे वो सबको क्वेश करके और उनको फ्री कर दिया। तो मित्रों बहुत इम्पॉर्टेंट ये जजमेंट आया और इसके माध्यम से हमने ये समझा कि किसी भी बात को हम रोज करते हैं, सामान्य रूप से देखते हैं, लेकिन उसकी गहनता से हमको इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि उसकी लीगल जो चीज़ें हैं, लीगल जो आइटम्स हैं, लीगल उसके जो एसेंशियल पार्ट हैं वो पूरा होना चाहिए, उनका प्रूफ भी होना चाहिए। क्योंकि आजकल समस्याएं बहुत, देखिए यही केस था एक महीने के अंदर ही शुरू हो गया शादी के, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इन सब बातों के लिए ये आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और जागरूकता के तहत और लोगों को भी इसको बताएंगे। नमस्कार।